अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं सामा आज हम चैलेंज नंबर थ्री करेंगे हमारा आज का चैलेंज यह है कि हमें स्क्रैच कैट से फिफ्थ मल्टीपल ऑफ़ टू बताना है जो कि टेन होता है यानी कि इस कोड को इस्तेमाल करते हुए हमें फिफ्थ मल्टीपल ऑफ टू बुलवाना है कैट से और इस कोड के अंदर जो भी एरर्स है वो हमें ठीक करने हैं तो हम इसी तरह का सेम प्रोग्राम बना लेते हैं अपने स्क्रैच की ऑफलाइन एडिटर में जैसा कि हमने मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं देखिए यहाँ पे स्क्रैच कैट जो है वो फोर बोल रही है जब भी मैं प्रोग्राम रन करता हूँ स्क्रैच कैट फोल फोर, फोर बोलती है तो हम सबसे पहला अलर्ट ये देख लेते हैं कि हमारे पास दो कमांड यहाँ पे यानी कि हम जब भी कोई नया वेरिएबल बनाते हैं हमारे पास ये वाली जो कमांड है ये ऑटोमेटिकली शो हो जाती है जिसमें एक सेट और एक चेंज होता है जो कि हमने इस प्रोग्राम में यूज़ करा हुआ है सेट जो कमांड है वो जो पुरानी वैल्यू है उसको नज़रअंदाज़ करता है जो हमारे वेरिएबल के अंदर सेव है जैसे कि यहाँ पे फोर सेव है नज़रअंदाज करते हुए ये जो भी इसके अंदर हम नई वैल्यू डालते हैं उस पर सेट कर देता है अब जैसा कि मैंने यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे फाइव हो गया अगर मैं यहाँ टेन लिखता तो क्लिक करने पे ये टेन हो जाता इसी तरह जो चेंज है चेंज थोड़ा तो डिफरेंट है सेट से चेंज में क्या होता है कि जो पुरानी वैल्यू है उसी पे वो चेंज लाता है यानी कि उसमें या तो वो प्लस करेगा या फिर वो सब्ट्रैक्ट करेगा वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने कैसी वैल्यू डाली है जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ टेन प्लस 5 हो गया या फिफ्टीन हो गया और इसी तरह अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डालता माइनस थ्री जिससे मैंने यहाँ पर डाला तो यहाँ पर हो गया ट्वेल्व तो सबसे पहले हमारा एरर ये है कि देखें यहाँ पे जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो सेट हमारे पास से नंबर है टू उसके बाद फिर हमारे पास लूप आ रहा है लूप में हम, मैं अगर वेट लगूँ आपको पता लगेगा इसमें क्या हो रहा है जब ये पहली दफ़ा लूप चलेगा तो जो नंबर है हमारा वो सेट है टू पे और जब वो टू से चेंज होगा टू से चेंज होने के बाद वो क्या होगा फोर हो जाएगा फिर दोबारा जब वो दोबारा लूप चलेगा फोर से दोबारा टू हो जाएगा इस तरह जब ये पांचवी दफा लूप चलेगा तो फोर से दोबारा टू होगा टू से फिर दोबारा फोर होगा और फिर स्केट जो है हमेशा की तरफ फोर ही बोलेगी अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारी जो गलती है वो ये है कि यानी कि इस कोर्ड में जो एरर है वो ये है कि हम इसको सेट को यहाँ से हटा देते हैं और फिर हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं ठीक है अब प्रोग्राम चलेगा टू से फोर हुआ फोर से सिक्स हुआ सिक्स से एट हुआ एट से टेन हुआ और फिर ट्वेल्व हुआ हमारे पास और एक एल आ रहा है कि अभी जो कैट है हमारा वो ट्वेल्व बोल रहा है इसकी रीज़न ये है कि हमने जो शुरू में सेट है जो हमारा वेरिएबल सेट है वो हमने टू से किया हुआ है अब जब टू से चेंज होकर जब पहली दफ़ा लूप चलेगा टू से फोर होगा इसी तरह जब पांचवी दफ़ा लूप चलेगा तो वो टेन से ट्वेल्व हो जाएगा हमारे पास दो ऑप्शन हैं या तो हम इस हम इसको फोर कर दें या तो हम फिर हम इसको जीरो कर दें मैं इसको यहाँ से जीरो कर देता अब मैं स्कोर को रन कर करता हूँ जीरो से टू हुआ टू से फोर हुआ फोर से सिक्स हुआ सिक्स से एट एट से टेन ये ठीक हो गया इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है ये करना है कि हमें सिक्स मल्टीपल ऑफ थ्री बताना है यानी कि थ्री सिक्स हमें बताना है क्या आएगा आंसर हम इस प्रोग्राम को इसी तरह रख सकते हैं बस हमें क्या करना होगा यहाँ पे रिपीट चेंज करना होगा सिक्स से उसके बाद हम जो है यहाँ पे थ्री से चेंज कर देते हैं चेंज क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑफ थ्री है तो और अब मैं इसको क्लिक करता हूँ सिक्स मल्टीपल ऑफ थ्री एटीन होता है अब मैंने इसको रन किया थ्री थ्री से सिक्स सिक्स से नाइन नाइन से ट्वेल्व हमें इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है इस तरह के हमें जो मल्टीपल ऑफ थ्री पहले के जो शुरू के छ मल्टीपल ऑफ थ्री है हम उसको ऐड कर सकें यानी कि थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन हम आपस में ऐड करें जो पहले है मल्टीपल ऑफ थ्री है तो हम अपना प्रोग्राम एक दफा देख लेते हैं तो हमें और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मैं इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ सम ताकि हम इसमें अपना जो सम है जो टोटल है हम उसमें सेव कर सकें और मैं इस सम को इसके नीचे लगा देता हूँ और ज़ीरो पे सेट करता हूँ उसको उसके बाद जो है मैं चेंज यहाँ लाता हूँ उसके बाद जो नंबर है हमारा वो हो जाएगा इसमें अब देखिए ये कोड क्या कर रहा है ये कोड जो है जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे जो सेट और नंबर है सम और नंबर है यानी कि जो नंबर है हमारा चेंज हो रहा है वो वो और जो सम है वो ज़ीरो कर देगा दोनों को सेट हमेशा की तरह यानी कि जितने भी बाकी प्रोग्राम में ये हुआ है उसके बाद हमारे पास रिपीट है सिक्स यानी कि तीन जो है वो छः दफ़ा चेंज होगा यानी कि मल्टीपल ऑफ सिक्स जाएगा ये थ्री जो है हमारा जो कि ठीक है अब जो सारी कन्फ्यूजन है वो है चेंज समय नंबर अब इसमें क्या हो रहा है अब जो हमारा जो सम है सम का जो वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है किससे नंबर से जो कि नंबर है हमारे पास ये जो थ्री है हमारे ये वाला ये वाला जो वेरिएबल है अब देखिए जब लूप में होगा क्या जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो हमारे पास थ्री है चेंज नंबर बाय थ्री यानी कि नंबर का वेरिएबल है वो थ्री से चेंज हो जाएगा फिर ठीक है फिर उसके बाद फिर जाएगा इधर और फिर ये चेंज नंबर बाय थ्री कर देगा ये भी थ्री हो जाएगा फिर जब दोबारा जब लूप घूमकर आएगा जब दोबारा लूप घूम कर आएगा तो ये दोबारा क्या लिखा हुआ है चेंज नंबर बाय थ्री जब यह चेंज नंबर बाय थ्री होगा तो हमारा जो नंबर है वो थ्री से सिक्स हो जाएगा यहाँ वेरिएबल में सेफ हो जाएगा और फिर हमारा यहाँ पे लूप आएगा और इस लूप में फिर हमारा क्या होगा चेंज बाय नंबर यानी कि थ्री में जब सिक्स प्लस होगा तो वो क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा फिर दोबारा यहाँ जाएगा फिर ये दोबारा देखेगा चेंज नंबर बाय थ्री है यानी कि सिक्स से क्या हो गया नाइन हो गया ठीक है और फिर ये दोबारा इसमें ऐड कर देगा जो हमारा सम में जो सम का टोटल है उसमें ऐड कर देगा इस तरह जब ये छः दफ़ा रिपीट होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 63 यानी कि हमारी जो पहले जो छः मल्टीपल हैं थ्री के वो हैं थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन और एटीन उम्मीद है कि आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी थैंक यू